किसी का सपना होता है यार कुछ ना कुछ लेने का। बाकी मेरा पहला बाइक था और सेकंड था मैकबुक का। हे गाइस यार, हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो हम बारिश में घूम रहे थे। बारिश में घूमने का ज़्यादा कुछ खास पर्पज़ नहीं था, हम लोग आ रहे थे पार्टी करने के लिए। और मेरी मीटअप होने वाली है वो भी रुद्रप्रयाग के सबसे प्यारे यूट्यूबर से, जो मेरे सबसे प्यारे फेवरेट यूट्यूबर है, उनका नाम है अमित नेगी ब्लॉग। आपको पता ही होगा यार गाइस, हम पहले साथ में रहते थे जब भर्ती चलती थी और फील्ड में दौड़ते रहते थे, तब से हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन उसके बाद हम लोग मिले नहीं, तो आज मैंने कहा क्यों ना अमित भाई से मीटअप कर ही लेते हैं। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा जो संघर्ष किया बाइक में बरसात में इधर उधर जाने का, वो अमित भाई को मिलने के लिए ही किया था गाइस। गाइस हम लंबे टाइम के बाद मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा है अमित भाई को मीटअप करने के लिए एक छोटा सा केक ले लेते हैं। शायद उनका बर्थडे नहीं है आज, लेकिन फिर भी हम बर्थडे के तरह सेलिब्रेट करेंगे। और केक ला रखा है अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये दोनों भाई लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं। और आज हमारे साथ में नवीन आ रखा है, मेडी तो आता ही रहता है, आपको पता ही होगा मेरे हर ब्लॉग में मेडी ना हो तो फिर ब्लॉग का मजा ही क्या है। तो अभी केक काटते हैं अमित भाई को मिलने की खुशी पे, हम केक ही काटते हैं यार। वैसे बड़ी पार्टी हम करते नहीं, दारू वारू तो हम पीते नहीं है। दिवेश भाई कैसा लग रहा है तुमको? मैंने तो गाइस मुझे बढ़िया लग रहा है, लेकिन खुशी के टाइम पे हम हर रोज केक ही काटते हैं। और ये है हमारे अमित भाई, अमित भाई के लिए ये पार्टी मैंने अपनी तरफ से सेलिब्रेट की है। और साथ में नवीन भी है, नवीन ने बहुत टाइम से बोला था अपनी पार्टी नहीं दी, तो क्यों ना गाइस मैंने सोचा आज ही पार्टी दे देते हैं। और अमित भाई कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया। मैं तो सोच रहा हूँ जब दो यूट्यूबर मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की मतलब यार फेस से नहीं पहचानते, बस ब्लॉगिंग से पहचानते हैं, तो बढ़िया बात है यार दोस्तों। तो गाइस सब अपने अपने ब्लॉग में लगे पड़े हैं। तो गाइस यार पहले से मैं अमित भाई का बहुत ज़्यादा फैन हूँ और मैं इनके ब्लॉग ही देखता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है यार। तो गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ और आपको दर्शन कराए देते हैं। ये है मैकबुक, आप देख सकते हो आईफोन की है और इसकी कीमत है लगभग 2 लाख रुपये। ओ भाई एप्पल की है, सॉरी। तो कभी कभी और इसी स्पेशल हमने सोचा यार केक खिलाए देते हैं यार। दोस्तों इसकी प्राइस लगभग 2-2.5 लाख रुपये है, तो आप विश्वास कर सकते हो कितनी मेहनत से लिया होगा। और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता यार, हर चीज़ में मेहनत लगती है। बाकी हे महाराज आई लव दिस। और हमारे सभी भाई लोग कैसा लग रहा है यार? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आप भी ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो किसी चीज़ पे, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये सिर्फ 100 ब्रांड है, आपको पता भी है, लेकिन जिसके पास होता है उसको इसकी वैल्यू पता होती है। और आज बहुत खुशी का माहौल है यार मेरे लिए, इसी स्पेशल में मैंने सभी भाई लोगों को बुलाया है। बुलाना तो बहुत लोगों को चाहता था, लेकिन आपको पता है बारिश की वजह से मुझे जो लोग रिसेंटली दिखे मैंने सबको बुला दिया। और भाई ये फीलिंग तो मुझे ही पता है यार। बाकी दोस्तों मोमो खाते हैं और आप भी इंजॉय करो और कमेंट में ज़रूर बताइए देना। तो ये गाइस यार टाइम काफ़ी लंबा हो गया और हमारे मोमो भी आ चुके हैं, तो अभी हम सबसे पहले केक काटेंगे। और केक को इस बार मैं नहीं, मैडी भी नहीं काटेगा, इस बार केक काटेगा हमारा अमित भाई। तो अमित भाई के हाथों से आज केक खाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे को यार इतनी इज्जत मिल गई है तो हम ही काटते हैं यार। तो आज का क्रेडिट जाता है अमित नेगी ब्लॉग्स को और अमित भाई काटेंगे आज केक। लव यू मेरे भाई। तो गाइस अभी केक कटिंग का समय आ चुका है 2 लाख रुपए की खुशी में। जय हो, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित भाई के लिए, बहुत बहुत बधाई गाइस। तो अमित भाई केक काट रहे हैं अभी यहाँ पे। और यार ये पीली चेरी वाला केक मुझे बहुत बढ़िया लगता है, विदाउट अंडा है ये, क्योंकि मैं नॉनवेज से बहुत दूर रहता हूँ। बाकी दोस्तों इसको खिलाते हैं हम अपने यूट्यूबर भाई को, देवेश भाई के लिए है। या पूरा ले लो भाई केक। तो गाइस यार आज अमित भाई के साथ केक खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अमित भाई ने डिसाइड किया सबसे पहले मेरे को खिलाएंगे ये केक। अभी अमित भाई को खिलाते, ये तो पकड़ा नहीं जा रहा यार। बधाई हो अमित भाई, बहुत बहुत बधाई गाइस अमित भाई के लिए, ये सब आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से हुआ है। नहीं गाइस रियलिटी तो आपको पता है। तो हे गाइस यार फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं पार्टी करने के लिए और हमारे मोमो भी आ गए, केक भी काट रहा है मेडी, सबको देगा। तो यार गाइस आज मौसम ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण पार्टी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन जो ये हमने तैयार किया था ये सब अमित भाई की कृपा है, हम पे बना रहे, सदा अमित भाई की कृपा हम लोगों पे बने रहे। लंबे टाइम के बाद पार्टी करने का मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले हमने पार्टी उधर की थी और
वहाँ ज्यादा अच्छा नहीं किया था, लेकिन आज पार्टी का मजा तो तब आया ना जब अमित भाई हमारे साथ में आ गए। मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ यार इनका, उनके ब्लॉग सुबह शाम देखता रहता हूँ और उनसे मोटिवेट होता रहता हूँ इनको ब्लॉग देख के, और मैं भी ट्राई करता हूँ क्यों ना मैं भी ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहूँ। तो गाइस यार ये पार्टी आज उन्हीं के नाम की है, तो पार्टी हमारी हो रही है कुछ इस तरह से। आज थोड़ा लाइट का मौसम का भी इश्यू चल रहा है, इसलिए ज्यादा अच्छे ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो हे गाइस यार पार्टी भी हो चुकी है और हमने मोमो भी खा लिया, केक भी खा लिया, तो अंधेरा भी पता नहीं बाहर छा ही रखा है, तो बारिश इतना ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या ही बताएं यार, ज़्यादा मज़ा नहीं आया वैसे। मुझे तो बहुत मज़ा आया और स्पेशल यहाँ के मोमो बहुत ज़बरदस्त हो रहे थे, यहाँ की चिली पटेटो जरूर खाना, थोड़ा महंगी है बट खा लेना। तो हे गाइस निकलते हैं यार, हमारी पार्टी भी हो गई। अमित भाई कैसा लगा आपको? अरे मेरे भाई मज़ा आ गया यार, सच बताऊँ तो यार बहुत ज़बरदस्त लगा। अरे दोस्तों यार एक चीज़ बताना भूल गया था यार, माफ़ करें गाइस, माफ़ करें दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गया था यार, मैंने आपको अप्रैल फूल बनाया, पर क्या करें, माफ़ करें दोस्तों, अपने भी दिन आएंगे तो अपने आप भी ले लेंगे। बाकी वो गिफ्ट मिला है देवेश भाई को, मतलब किसी ने गिफ्ट किया है यूट्यूब के द्वारा, तो देख सकते हो यूट्यूब की ताकत इतनी है कि भाई लोग हमेशा काम देख के ही कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हैं। बाकी दोस्तों यार हम भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मेरे पास फूटा हुआ फ़ोन है लेकिन इसका कैमरा बहुत बेस्ट है, इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार माफ़ करें दोस्तों, अप्रैल फूल है यार, तो इसलिए हमने सोचा यार आपको भी बना देते हैं। अब आप हमारे दर्शक हो, हमसे जुड़े रहते हो, तो मजाक मस्ती भी चलती रहती है, बाकी आप सीरियस मत लेना और उल्टे सीधे कमेंट मत करना, क्योंकि यार भाई हमारे भी दिन आएंगे तो ले लेंगे। ये अप्रैल फूल था तो हमने सोचा यार आपको भी बना लेते हैं। मैंने सोचा है कि हमने जिनसे सीखा है बोलते हैं ना, अपने से बड़े गुरु होते हैं, तो हमारे गुरु यही है, इन लोगों से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इनके ब्लॉग देखते रहते हैं, तो मैंने कहा हमने भी स्टार्ट किया था ऐसे इम्प्रेशन हो गए इनसे कि हाँ, तो हमने भी यूट्यूब चैनल खोला था। तो गाइस हमें पता नहीं था कि हम लोग इतना कुछ कर पाएंगे, वो मैकबुक अमित भाई के लिए मेरे लिए आया था, तो मैंने सोचा अमित भाई को थोड़ा पार्टी दे देते हैं, तो अमित भाई के लिए एक छोटी सी पार्टी थी भाई, बढ़िया लगी ना आपको? अरे मेरे भाई मजा आ गया यार, और आपको बधाई हो मैकबुक की यार, इतनी बड़ी चीज मिली है, अचीवमेंट मिली है, वो भी यार यूट्यूब के थ्रू मिली है, तो यूट्यूब ऐसी चीज है दोस्तों यार, लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, अपनी पहाड़ी चीजें दिखा रहे हैं आपको, और भाई के पास सबसे बढ़िया बात है यार गोप्रो भी है, तो हमारे भी दिन आएंगे। तो गाइस यार ऐसे ही स्ट्रगल करके मैंने कैमरा भी लिया था, लेकिन मैं ज्यादा इन्हीं की वीडियो देख के ज्यादा खुश होता हूँ यार, रुद्रप्रयाग के सबसे बढ़िया यूट्यूबर गाइस जिनको बोलते हैं, मैं अमित नेगी ब्लॉग को ज्यादा देखता हूँ, और वैसे जब हम भर्ती में जाते थे तब भी देखता रहता था कि अमित भाई के क्या हाल है क्या हाल है, और अब तो बताइए क्या दिन रात वीडियो आती रहती है और हम लोग देखते रहते हैं। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, बदमाश पहाड़ी नाम ही है, मैं अच्छे वीडियो नहीं बनाता ये मुझे पता है, नाम ही इसलिए मैंने अच्छा नहीं रखा, बदमाश पहाड़ी रखा है, बहुत बढ़िया वीडियो रहती है यार। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अमित भाई को बहुत बहुत बधाई अपने फूल बनाने के लिए। तो गाइस निकलते हैं फिर रूम से, तब तो मेरा ब्लॉग जरूर देखें आप। टाटा बाय बाय।